नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मत्स्य पालन विभाग गढ़मुक्तेश्वर सम्मान समारोह में पहुंचे। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो वहीं डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि मैं यहां 13 जनवरी 2013 के बाद सबसे पहले मैं गढ़मुक्तेश्वर आया था। निषाद राज के किले पर संकल्प लेने के बाद उन्होंने बताया, गंगा गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक जाती है, उसी तरह से गंगा के किनारे रहने वाले गंगापुत्र पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। त्रेता में जिस तरह से भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और फिर निषाद राज ने अपनी सेना देकर रावण राज खत्म किया था, वहीं संजय निषाद ने बताया कि पिछली सरकारों ने आरक्षण से, रोजगार से, शिक्षा से वंचित रखा। पिछली सरकारों ने इनका वोट तो ले लिया, नोट और नौकरी पर डाका डाल दिया। ऐसे में हम इन्हें जगा रहे हैं, इनको अपने वोट का सही बटन दबाकर प्रयोग करना चाहिए। यह वंचित समुदाय था, ऐसे जितने लोग जिनको आज तक आरक्षण नहीं मिला, संविधान में सुरक्षा नहीं मिली, न्याय नहीं मिला, उन्हें उनको सही दिशा में सही से हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम यहाँ आए हैं। वहीं फिल्म पठान को लेकर हापुड़ जनपद में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि फिल्म के दो पहलू होते हैं, अब इस पहलू पर लोग क्या विवाद कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहूंगा, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को फिल्म बनाने से पहले जैसे पहले फिल्म बनती थी, वो लोगों के दिलों पर राज करती थी। दिलों पर राज करने वाला फिल्म बनाना चाहिए, ना कि राजनीति का शिकार बनना चाहिए। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, देश की भारतीय संस्कृति को संजोते हुए काम होना चाहिए। भारतीय संस्कृति नकारात्मक भी होनी चाहिए। सदन में ऐसा बिल लाने वाले हैं, कानून बनाने वाले हैं, ऐसा कोई भी शब्द, कोई भी सीन, कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो राष्ट्र, देश और समाज के हित अहित में ना हो।